क्या फ्रेंड्स, आप भी नया फायर स्टिक लाए हैं तो अगर आप नया फायर स्टिक लाए हैं तो ये 7 हैक्स हैं आपके लिए। अगर ये आपने 7 हैक्स नहीं देखे हैं तो आप उतना उसका फुली 100% यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। प्लीज मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। सो ऐसे जबरदस्त वीडियो आपको मिलते रहे और आप डे बाई डे आप उसको अपने टेक्नोलॉजी को यूज कर पाए। ठीक है, सबसे पहले टिप है फायर स्टिक की ऐप के बारे में। फायर स्टिक ऐप एक इतनी अच्छी एप्लीकेशन है। देखिए, आपको रिमोट मिला आपके फायर स्टिक के साथ, वो आप उसको कनेक्ट कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कई बार टाइपिंग करनी है या फिर आपको ऐप के बारे में काफ़ी कुछ जानना है। बेसिकली आपके रिमोट आपके फ़ोन के अंदर आ जाएगा और फ़ोन के अंदर इतने फीचर्स होते हैं कि आपको, क्योंकि फायर स्टिक का जो रिमोट है उसके ऊपर डिस्प्ले नहीं होता है। तो देखिए, अगर आपने अगर फायर स्टिक ऐप इंस्टॉल कर ली है तो जैसे ही फ़ोन में आप अपनी फायर स्टिक ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं, देखिए इस तरह से बटन्स आ जाएंगे। तो सेम आपको एक बार कंट्रोल एक बार सेटअप करना है अपने मोबाइल के साथ। जैसे ही आप मोबाइल से अपना फायर स्टिक सेट करेंगे तो यहाँ पे ऐप्स दबा सकते हैं। तो मतलब जितनी ऐप्स आपके फायर स्टिक में इंस्टॉल है आप यहीं से देख सकते हैं। फिर आप बैक आकर कोई भी ऑन कर सकते हैं और उसके बाद ये देखिए होम बटन है, सेटिंग्स बटन है। सबसे बड़ी बात है टाइपिंग का बड़ा फायदा है इसमें, क्योंकि अगर फायर स्टिक रिमोट से कुछ टाइप करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, इतना टाइम लग जाता है कि आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर रखी है तो देखिए आप खटाखट कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जो काफ़ी ही ज़्यादा तेज़ होने वाला है, बिकॉज उसके अंदर काफ़ी टाइम लग जाएगा। और एक भी कुछ भी वेबसाइट लिखनी है, कुछ भी साइट का नाम लिखना है तो उसमें बहुत टाइम लगना। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा हैक है, आपको इसको जरूर इंस्टॉल करना चाहिए। चलिए अब सेकंड हैक के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, सेकंड हैक है आपका ये होम बटन। जो आपको होम बटन दिख रहा है ये है आपका जबरदस्त हैक। इसको आपने 5 सेकंड तक दबा के रखना है। देखिए, जो होम बटन होता है ना आपका, देखिए होम बटन को 5 सेकंड्स के लिए आपको प्रेस करके रखना है। 1, 2, 3 ये देखिए। अब आपकी डायरेक्टली प्रोफाइल्स आ गई हैं, आपकी एप्लीकेशंस आ गई हैं, स्लीप मोड आ गया है, मिररिंग मोड आ गया है, सेटिंग्स आ गई है। मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सीधा आप यहाँ सब सेटिंग्स पर जा सकते हैं। मतलब सारी शॉर्टकट कीज बन जाती हैं। चलिए अब शुरू करते हैं थर्ड हैक के बारे में, क्योंकि थर्ड हैक काफ़ी अच्छा लगने वाला है। क्योंकि जैसे ही आप होम बटन दबाते हैं आपका ऑटो प्ले ऑप्शन आता है, काफ़ी ट्रेलर ऑन होने लग जाते हैं। कभी ट्रेलर आपको चाहिए, कभी नहीं चाहिए, उसके बाद आपका डेटा भी यूज़ हो रहा हो, क्योंकि ये जब स्क्रॉल करेंगे होम बटन पे तो अपने आप प्ले हो जाएगा और आपका आवाज़ आने लग जाएगी। ये आवाज़ आपको डिस्टर्ब भी कर सकती है, हो सकता है आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। तो देखिए इसको कैसे आपने सेटल करना है। इसके लिए भी आपको दोबारा सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाकर नीचे आपके ऑप्शन आते हैं प्रेफरेंसेस की, इसको ध्यान कर लीजिए। प्रेफरेंस में जाएंगे आप जैसे ही तो यहाँ पे आपको दिखेगा फीचर्ड कंटेंट। अब फीचर कंटेंट क्या होता है कि आपको वो दिखाता है ट्रेलर्स। अगर आपको वीडियो ऑटो प्ले हो रहा है तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं, और साथ में कोई आवाज़ भी आ रही है तो इसको ऑफ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि ट्रेलर चल रहा है तो इसको ऑन कर लीजिए और आवाज़ को ऑफ कर लीजिए। कई बार क्या होता है ना कि आप आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं या फिर आपको डेटा इसमें लॉस हो रहा है, तो आप दोनों ऑन कर सकते हैं ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो फिर क्या होगा, अभी मैंने ऑन किया हुआ है जैसे, तो जैसे ही आप बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पे आके किसी भी अगर ऐप पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम गए तो हम यहाँ पे कंटिन्यू वॉचिंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके प्रीव्यू चल जाएगा। देखिए जैसे पीछे प्रीव्यू चल रहा है, राइट, फिर प्रीव्यू चलना हो जाएगा, आवाज़ भी आ रही है। तो आवाज़ और वीडियो आपके हाथ में है, कंट्रोल करना है नहीं करना है आपकी खुद की प्रेफरेंस है। तो ये आपको मिलेगा नहीं इजीली, बट ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। अभी जो आपके पास फोर्थ हैक आ रहा है, ये फोर्थ हैक कई लोगों को अच्छा लग सकता है, बुरा लग सकता है। होता क्या है कि जब भी आप स्क्रॉल करते हैं अपने टीवी को, स्क्रॉल करने के बाद रिमोट से करेंगे तो आवाज़ आएगी टिक 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 की। बात है कि वो कईयों को पसंद है, कईयों को नहीं पसंद है। ये दोबारा साउंड पे आने वाला है आपको, फिर इसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे आए इसके अंदर, क्योंकि आपको आवाज़ का इशू आ रहा है इसमें, तो आपको इसमें अपने साउंड में जाना पड़ेगा। डिस्प्ले एंड साउंड में जाएंगे आप। जैसे आप डिस्प्ले एंड साउंड में जाएंगे यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन आ रहे हैं डिस्प्ले ऑडियो, तो आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा नेविगेशन साउंड्स का। ऑडियो में जाइए, नेविगेशन साउंड्स ये ऑन है अभी, ठीक है। अगर ये ऑफ कर देंगे तो ये टिक टिक की आवाज़ आवानी बंद हो जाएगी। देखिए ये बंद होगी, इसको ऑन करेंगे तो आपकी आवाज़ शुरू हो जाएगी। तो आपके ऊपर पर्सनल चॉइस है कि आपने इसकी आवाज़ चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार रात को टीवी देख रहे हैं टिक 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 जैसे मोबाइल फोन के बटन से होता है, तो ये इसी के थ्रू आएगी और ये काफ़ी इजीली आपकी ऑफ हो जाएगी। तो कहते हैं कि ये पांचवा हैक जो है ये मैग्नीफाई के ऊपर है। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देखते हैं अपने कोई भी, कई बार जैसे न्यूज़ पेपर देखे होंगे, न्यूज़ पेपर को पढ़ने में कई बार प्रॉब्लम होती है, हो सकता है आपको ग्लासेस लगे होते हैं तो आप उसको लेंस के थ्रू देखते हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो मैग्नीफाई एक्सेसिबिलिटी को आप यूज़ करेंगे इसके लिए, इसलिए करते हैं। हो सकता है आपकी स्क्रीन साइज़ छोटा हो या फिर काफ़ी दूर से देख रहे हैं तो कई बार पढ़ने में मुश्किल हो जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, ये आपको हैक पता होना चाहिए। तो इसमें फिर आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, हर चीज़ सेटिंग्स में मिलेगी। सेटिंग्स में आएंगे आपको एक ऑप्शन आता है एक्सेसिबिलिटी का, आप देख सकेंगे काफ़ी ह्यूमन फ्रेंडली सिंबल है इसका। जैसे आप उसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं, बट यहाँ पर देखिए स्क्रीन मैग्नीफायर का ऑप्शन आ जाता है, राइट। आप इसको अगर ऑन कर देते हैं, ये देखिए जैसे ऑन करेंगे आपकी स्क्रीन मैग्नीफाई हो जाएगी, ठीक है। तो और अब जैसे ही आप इसको कहीं भी घुमाते हैं करते हैं, इसमें ऑप्शन जा रहे हैं होल्ड बैक, फास्ट फॉरवर्ड, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना
डायरेक्ट रिमोट भी आपका कंट्रोलेबल हो जाएगा क्योंकि आपके स्क्रीनशॉट्स मिल गए आपको, तो डायरेक्टली मीन्स आपको बार बार यहाँ की जरूरत नहीं, जैसे मेन्यू का बटन दबाया प्ले पॉज करके इनेबल हो जाएगा, मेन्यू के बटन के साथ फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो जूम इन हो जाएगा, तो ये सीधा ही हो जाएगा यहाँ बार बार आने की, तो इसको आप लिख के रख लीजिएगा। और ये इसलिए नहीं मैं कह रहा कि आपको मैग्नीफाई चाहिए क्योंकि स्क्रीन छोटी है, आप काफी दूर से देख रहे हैं तो ये काफी हैक इजी है। तो अभी मैं टर्न ऑफ ही कर रखा है, मान लीजिए मैं ऑफ कर देता हूँ, तो आपके ऊपर है ऑप्शन स्क्रीन बड़ी करनी है छोटी करनी है, इट्स वेरी वेरी इजी। चलिए अभी सिक्स्थ हैक है, सिक्स्थ हैक आपका डेटा ट्रैकिंग के ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका कोई पर्सनल डेटा लॉस होने वाला है या आपकी डेटा लेके वो लोग कुछ करने वाले हैं, मींस दे ट्रैकिंग यू ओनली बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट ओनली। तो जैसे हमारे गूगल की एड्स आती हैं, सेम वे इसमें डेटा ट्रैकिंग का ऑप्शन होता है। Amazon Fire Stick में आपको बटन क्लिक करेंगे तो कितना आप डेटा यूज कर रहे हैं, क्या क्या आप इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट बनाता है या फिर आपको सजेशन मिलता है। तो इसको आपने रखना है या नहीं रखना है आपकी पर्सनल चॉइस है। तो इसके लिए आपको फिर दोबारा सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, इसके लिए भी सेटिंग्स में जाना है आपको। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये फीचर आपने खुद ऑन रखना है नहीं रखना है पर्सनल चॉइस है, क्योंकि इसके बेसिस पर आपको स्पॉन्सर चीजें दिखने वाली हैं या आपका डेटा भी दिखता रहेगा। तो इसलिए आपको फिर दोबारा प्रेफरेंस में जाना है, प्रेफरेंस ये इसलिए बता रहे हैं, प्रेफरेंस नाम ही इसलिए कि आपकी खुद की प्रेफरेंस में करना है, डेटा यूजेज मॉनिटरिंग पे आइए आप। जैसे आएंगे इसको ओपन करिए, डेटा यूजेज मॉनिटरिंग ऑफ है अभी, आप इसे ऑन कर दीजिए, ठीक है। तो बेस्ट क्वालिटी बेस्ट आएगी, इससे डेटा अलर्ट भी आप कर सकते हैं, मंथली डेटा पैक भी कर सकते हैं। तो ये आपको ये भी बता रहे हैं कितना आपने डेटा यूज़ कर लिया, ठीक है। अगर आपने डेटा यूज़ कर लिया है तो वो आपको वहीं पे लिमिट भी बता देगा, हो सकता है आपको चाहिए कि आपका जो ब्रॉडबैंड है 300 GB है सिर्फ, तो वो 300 GB सेट कर लीजिए। जैसे वो डेटा सेट अलर्ट आएगा तो वहीं पर रोक देगा, अपने हिसाब से आप खुद सेट कर लीजिए। सपोजिंग 300 GB पे करना है, मैंने देखेंगे अभी 300 GB तो कम हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ही कर देते हैं, लीजिए इसे हम 500 GB पे सेट कर देते हैं बस। अब जैसे ही आपकी बिलिंग साइकिल होगी, लीजिए सपोजिंग फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ है, तो साइकिल के हिसाब से वो कंफर्म करेगा और ये अलर्ट हो जाएगा। अब जैसे अब 1.18 GB यूज़ हो चुका है अभी तक, तो ये आउट ऑफ हैक बिकॉज अभी स्टार्ट किया है मैंने, ओके। तो टॉप डेटा यूजर आ जाएगा, कितना डेटा आपकी एप्लीकेशन यूज़ कर रही हैं। तो ये डेटा आपको देना नहीं देना आपकी मर्जी है, क्योंकि अगर आप ये डेटा दे देंगे ऑन कर देंगे तो आपके स्पॉन्सर्ड एड्स आने लग जाएंगे बाहर से। देखिए हम होम पे आते हैं, आपको यहाँ पर अपने आप ही दिखने लग जाएगा जो आपको पसंदीदा चीज़ें हैं, वो अपने आप ही स्पॉन्सर देता लग जाएगा, राइट। ये देखिए स्पॉन्सर दे रखा है इसने, अब आप क्लिक करेंगे तो इससे आपकी प्रेफरेंस और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हो जाएगा। तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपने लेना है नहीं करना, तो डेटा ट्रैकिंग आप इजीली वैसे वापस करें कि यहाँ पर आपको न्यू ऐप्स आ रही हैं प्रेफरेंस कर रहे हैं, सो इट्स ऑल अप टू यू। चलिए सातवां हैक और लास्ट हैक है, ये आई थिंक मेरा काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, स्क्रीन मिररिंग का। क्योंकि आजकल ये जो अमेज़न फायर स्टिक है ये आपके HDMI पोर्ट पे लग जाती है, और आपके पास लैपटॉप होता है या आपके पास मोबाइल फ़ोन होता है, आप चाहते हैं कि ये किसी तरह वायरलेसली आपको स्क्रीन पर आ जाए, मीन्स आपने TV पे लगा रखा है या प्रोजेक्टर पे अपने फायर स्टिक को लगा रखा है, तो आप चाहते हैं कि अपने मोबाइल का कंटेंट और आपके लैपटॉप का कंटेंट वायरलेसली उसको चला, तो इसको बोलते हैं स्क्रीन कास्ट। तो स्क्रीन कास्ट का मैंने एक और फुल वीडियो बना रखा है, तो 7 हैक्स है, अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वो इंग्लिश में मैंने बना रखा है, लिंक मैंने आपको दे दिया है, आप उसको देखेंगे तो आपको परफेक्टली क्लैरिटी समझ आ जाएगी कि कैसे चलना है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है, आपको फिर दोबारा से आपने ये होम बटन को दबा के रखना है, देखिए इसमें भी आपको होम बटन को दबा के रखना है, जैसे होम बटन को दबा रखेंगे 2 सेकंड के लिए तो सामने आपके इस फीचर आ जाते हैं, राइट। तो इसमें आपने क्या करना है, मिररिंग पे जाना है, मिररिंग को जैसे ही आप ऑन करेंगे आपका फायर स्टिक अमेज़न मिरर मोड में आ जाएगा, और अब आप कोई भी इसमें, जैसे ये मेरा फायर स्टिक दिख रहा है आपको, अब इसमें आप कोई भी जाके अपना लैपटॉप या फिर आप अपना मोबाइल इस पर कास्ट कर सकते हैं ये मिररिंग मोड में ऑन होकर। अगर आपको इसका पूरा वीडियो देखना है मेरे चैनल पर जाइए, लिंक को सिलेक्ट करिए और पूरा वीडियो आपको दिख जाएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें मिल जाएगा। तो ये आई थिंक टाइम की कमी की वजह से मैं आपको इसमें नहीं दिखा सकता, वो पूरा आप जाके देखिए और आपका काम बनने वालों से, क्योंकि आप कोई भी लैपटॉप वायरलेसली किसी भी रूम से जहाँ भी वाईफाई का नेटवर्क आ रहा है वहाँ आप उसको मिरर कर सकते हैं, इवन चाहे तो मोबाइल फ़ोन की गेम्स वीडियो सब चला सकते हैं आप उसे, बट ये मोड आना चाहिए। होपफुली फ्रेंड्स आपका अमेज़न फायर स्टिक जो आपने डब्बा खोला है उस अंदर पहली बार आप यूज करना, लेकिन हैक्स अगर आपने नहीं सीखे इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग जल्दी सीख जाएं और इससे काफ़ी बेनिफिशियल मिल जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे बदलती रहती है, कभी कुछ अपडेट आया। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता चाहिए, बिकॉज फायर स्टिक के ऊपर कोई भी स्क्रीन नहीं होती है, तो ये सब शॉर्टकट बटन्स होते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट ये ऐसे लोगों को पता चल सके कि कितने हैकफुल चीज़ें हैं इसके अंदर, कितनी ईजिली हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं जो हमें मैनुअल में उसके मिला नहीं आता। तो आपको फायर स्टिक की ओर वीडियो देखना, हो सकता है आपका रिमोट ना काम कर रहा हो या फिर हो सकता है आपके पास कुछ उसके जेल ब्रेक के इशूज़ हो, तो मेरे चैनल पर जाइए, सारे वीडियोज़
में मैं आरके फाइव स्टार। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।